ये देखो आग अपना दिखा भाई, गांजा वाला लग रहा है कि नहीं आग? अचानक से भाई लोडिंग गाड़ी पंचर बैठ गई गाड़ी, पता नहीं चल। सो हेलो एवरीवन, फिर से स्वागत करते हैं आप सबका एक और न्यू वीडियो में। फाइनली आपका छोटे भाई का गाड़ी हो चुका है खाली और हम पहुंच चुके हैं दलसिंह सराय। तो चलो भाई इस वीडियो को यहीं से कंटिन्यू करते हैं। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन घंटा प्रेस कर लेना, क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। लाइक करते हो तो भाई आपके छोटे भाई को ज़्यादा मोटिव मिलता है वीडियो बनाने में, हिम्मत देते हो आप सब यार लाइक करके। फिलहाल गाड़ी हो चुका है खाली, अब भाई जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करने के लिए। क्या चीज़ मेरे गाड़ी में लोडिंग होगा वो तो आप सबको पता चलने ही वाला है। फिलहाल इधर से निकलते हैं, सब्सक्राइब मारो यार। अरे यार तुम्हारा की करछो बुझते पारछो ना, छोटो भाई चैनलटा के ताताड़ी घंटाटा दाबी दाओ, एखाने बुझल तो घंटा दाबी रख ले, छोटो भाई वीडियोटा टाइम थे तुम्हारे का चले आसबे। तो चलो भाई निकलते इधर से, और मैंने बंगाली में बोला जो हिंदी में बोला वही चीज बंगाली में बोला। निकलते हैं और जहाँ पे लोडिंग करना है उधर ही चल के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। वीडियो बहुत ही ज़्यादा धुआंधार फाड़ेदार होने वाला है, पूरा देखना वीडियो। तो चलो निकलते हैं यार। तो भाई दलसिंह सराय से आगे बढ़ रहे थे, मतलब एक रेलवे फाटक है और अपने को कहाँ पर जाना है गाड़ी को लोडिंग करने के लिए उस जगह का नाम हम अभी भूल गए हैं। वहाँ पर पहुँच जाएंगे तो आप लोगों को नाम भी पता चल जाएगा। फिलहाल वीडियो को अगर यहाँ तक देख चुके तो एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसा लगा, एक प्यारा सा कमेंट होना चाहिए तभी भाई आपके कमेंट को हम पिन कर पाएंगे, ठीक है? तो मज़ा आने वाला है यार इस वीडियो में। चलो चलते हैं आगे और फिलहाल उधर ही पहुँच के आप लोगों को बताएंगे यार कहाँ से लोडिंग मेरा गाड़ी हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है, सब कुछ डिटेल में आप सबको बताने वाले हैं। फिलहाल यार जाम में फंसे हैं देख सकते हो इधर, और पता नहीं कब तक जाम खुलेगा ये वाला। तो भाई ये रेलवे फाटक, इसी वजह से जाम लगा हुआ था और चाचा आपने बहुत ज्यादा तो चाचा आपने मेहनत कर रहे हैं बहुत ज्यादा देख सकते हो इधर। ठीक है जा चलते हैं। हाँ उल्टा किसी को मत घुसने दीजिएगा, उल्टा घुसता है तभी जाम लगता है। हाँ तो भाई हम लोग को जाना था तेमुआ डी करके कोई जगह है बिहार में, वहीं पे जा रहे हैं गाड़ी को लोडिंग करने के लिए। बताते भाई 2 घंटा हो गया हम लोग निकले हैं, अभी तक पहुंचे नहीं है। गाड़ी को घुमा के भाई रास्ता ही भूल जा रहे हैं बार बार, क्योंकि साथ में है भी नहीं। हम लोग 3 गाड़ी वाले हैं अपना जा रहे हैं भाई, और एक बार लोकेशन इधर का देख लो भाई, एकदम सिंगल रोड है, घुमा कर जा रहे हैं यार। तो चलिए लोकेशन पे पहुंच के फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो भाई फाइनली लोडिंग पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, और बता दे भाई बहुत ही ज़्यादा तकलीफ झेल के लोडिंग पॉइंट पे पहुंचना पड़ा, क्योंकि यार रास्ता बार बार भूल जा रहे थे। हम हैं और प्रदीप भाई हैं और एक प्रशांत भैया गाड़ी है, तो ये है आया स्मार्ट बॉय। कब यार कितना तकलीफ झेल के गिला यार, तकलीफ मत पूछा। हाँ तकलीफ पूछवा तो तकलीफ हुई। अच्छा तो भाई तकलीफ पूछवा तो तकलीफ हुई, सही में यार बहुत ज़्यादा झेल के आना पड़ा, क्योंकि हम तो ये तो 2-3 बार में ही पूछते आ गए, और हम और प्रशांत भाई गाड़ी जो है वो 4-5 जगह उल्टा जगह चले गए। तो चलो भाई अभी लोडिंग पॉइंट पहुंच चुके हैं और अभी गाड़ी को करना है लोडिंग। फिलहाल हम लोग जाएंगे सोने के लिए, और बता दें गाड़ी में लोडिंग होने वाला है सूरन, मतलब जिसको बिहार में ओल बोला जाता है और बनारस में सूरन बोला जाता है, कोलकाता में भी ओल बोला जाता है। फिलहाल भाई लोग बोरी में भर रहे हैं, पैकिंग कर रहे हैं, उसके बाद फिर इधर से लेकर निकलना है, और पता नहीं है कहाँ पर जाना है। लेकिन यार ये सूरन भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, क्वालिटी एकदम बेस्ट क्वालिटी का सूरन है ये। तो भाई सो के उठ चुके हैं और 2 गाड़ी लोडिंग होके निकल चुका है, प्रदीप भाई का और प्रदीप भाई के मामा का गाड़ी लोड होके निकल चुका है, और अभी मेरा गाड़ी भी लोडिंग हो गया है, हम अभी यहीं पर रहे हैं, और एक गाड़ी बचा हुआ है ये अभी लोडिंग नहीं हुआ है। फिलहाल हम रस्सा को बांध के, रस्सा मतलब जो पीछे जाली होता है वो बांध के निकलेंगे, तो देखते हैं भाई कहाँ पर मुलाकात होता है उन लोगों से, क्योंकि वो भी गए नहीं है, वो भी रुके ही हुए हैं, हम लोगों का वेट कर रहे हैं। फ़ोन उठाने था मेरा, मतलब सो गया बंदा, रात भर गाड़ी चला के आए भाई, हम तो इधर ही सो गए और वो लोग आगे सो गए। फिलहाल हम जाली अगर मार के निकलते हैं मेन रोड पर, तो जैसे ही मेन रोड पर निकलेंगे देखें कहाँ पर वो सब गाड़ी वाले हैं, उधर ही हम रुकेंगे खाना अगर खाएंगे, तब तक ये भाई भी अपना गाड़ी लोड करवा के वहीं पर आएंगे। और साथ में जाना है, और हमको जाना भाई पहाड़िया मंडी बनारस, जैसा कि पहले वीडियो में आप लोगों को देखा होगा पहाड़िया मंडी गए थे बनारस का। तो चलिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है,
चैनल पे ना तो सब्सक्राइब करिए और भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, फिर से एक बार दोबारा बोल दे रहे हैं ठीक है। तो चलो इधर से रस्सा अगर बांध के निकलते हैं तो आगे चल के आप लोगों से बातें करते हैं। तो भाई पीछे रस्सा अगर बांध लिए हैं, अब इधर से हम निकल रहे हैं ठीक है। तो देख लो एक बार भाई, तो अभी भाई का गाड़ी हो रहा है लोडिंग, तो हमारा हो चुका लोडिंग। तो चलो हम निकलते हैं इधर से और आगे चल के देखते हैं कहाँ मुलाकात होता है। फिलहाल थोड़ा तबीयत अगर सही नहीं लग रहा है यार, तो सर में थोड़ा सा बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, सो के उठे तो सर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। निकलते हैं धीरे धीरे, देखते हैं भाई कहाँ मुलाकात होता है आप सबसे ठीक। तो भाई हम लोग गाड़ी अगर लोडिंग करवाने के बाद आ चुके हैं ताजपुर, और अभी हम लोगों ने जस्ट खाना खाया है भाई। अभी बताते हैं टाइम हो रहा है 4:30, तो अभी जस्ट मैंने खाना वगैरह खा लिया और प्रदीप भाई हमसे पहले निकले थे, वो भाई ताजपुर के पास गाड़ी लगा के मस्त सो गए थे। हम फ़ोन किए भाई, बोला कि भाई सोए हुए हैं, आ जाओ ताजपुर, खाना वगैरह खा के फिर सफ़र कंटिन्यू करेंगे। तो फाइनली खाना वगैरह खा चुके हैं, अब कुछ देर बाद निकलेंगे क्योंकि एक गाड़ी वाला और है, उसी का हम लोग वेट कर रहे हैं। तीनों गाड़ी एक ही साथ जाना है और एक ही मंडी में हम लोग को तीनों गाड़ी लेके जाना है। एक ही मंडी में जाना है ना? हाँ भाई। कैसा सुता हुआ यार? नींद लगा था यार। नींद लग रहा है भाई। तो भाई एक बात आप लोग को बताना चाहते हैं यार, हर किसी का बस का बाहर है यार कि कच्चा माल में गाड़ी चलाए। और आप सब कुछ दिन पहले बोल भी रहे थे भाई आप नशा कर कर गाड़ी चलाते हो, गांजा पीते हो, ऐसा कोई बात नहीं मेरे भाई, ये सब मत सोचा करो ठीक है। तो ये देखो आँख अपना दिखा भाई, गांजा वाला लग रहा है कि नहीं आँख? तो ऐसे ही आँख लाल हो जाता है हम लोगों का, सिर्फ जागते जागते आँख छोटा हो जाएगा, जागते जागते मतलब 8-8 घंटा लगातार ताके रहना है, ऐसे ताके रहना है भाई, बस मंडी मंडी भाई कहाँ पहुँचे, भाई कहाँ पहुँचे, पार्टी का फोन आता है भाई कहाँ पहुँचे, ठीक है बढ़ा के आइए, फिर आधे घंटा बाद भैया कहाँ पहुँचे, ठीक है और बढ़ा के आइए, अरे यार बढ़ा के आ रहे भैया। तो इसी वजह से हम लोग का आँख छोटा हो जाता है। इतना बढ़ाए बढ़ाते हम लोग रिक्शा को पिकअप बना दिए, बड़ा होके पिकअप बन गए। तो चलो भाई हम लोग कुछ देर बाद इधर से निकलते हैं, बाकी वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, लाइक करो यार, और हम लोग निकलते हैं तो आगे चल के बातें करते हैं। तो भाई खाना वगैरह खाने के बाद सोचे भाई डीजल भरवा लेते हैं, तो डीजल भरवाने के लिए आ चुके हैं क्योंकि अब महुआ वाले रोड से निकलेंगे, इस रोड पे पेट्रोल पंप बहुत कम है, इसी वजह से अभी भरवा लेंगे तो रास्ते में कहीं भरवाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। फिलहाल भाई साहब भर रहे हैं डीजल, फिलहाल अभी भरवाते हैं डीजल और निकलते हैं बनारस की तरफ और आगे चल के आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो भाई रात का 8 बज चुका है और हम पहुंच चुके दानापुर स्टेशन के बगल में, मतलब अभी दानापुर स्टेशन के बगल से जा रहे हैं, जिसको उसको बनारस जाना हो आके मेरे गाड़ी में बैठ सकता है भाई, हम निकल रहे हैं डायरेक्ट बनारस ठीक है। तो भाई पहुंच चुके हैं बीटा और ये भाई मजा मस्ती कर रहे हैं। तो भाई हम लोग बीटा पहुंच चुके हैं और जा रहे हैं चाय पीने, और प्रदीप भाई मेरे ऐसे ही चाय पियेंगे लुकते हुए देख लो। नहीं भाई। तो चलो इधर चाय अगर पीते हैं, और भाई देख लो इतना वीआईपी चाय बना रहे हैं, इतना बड़ा सा बर्तन में, रात भर चले गई है सिस्टम, ऐसा बना दियो ना बासी चाय पिया वाला है। बासी चाय नहीं भाई, बासी चाय नहीं रहता भाई का चाय, जब भी पीते हैं मजा आता है रात में। फिलहाल जाते टाइम इधर से रात में रुकते हैं और आते टाइम इधर से रात में रुकते हैं, जब भी आते हैं रातें रहता है, दिन कभी होता ही नहीं यहाँ पर। फिलहाल भाई के साथ यहाँ खाना वगैरह भी खाते हैं, मस्त बनाते हैं भाई साहब खाना, देखते हैं अभी तो कितना टाइम हो गया यार, अभी 8:30 बज चुका है और देखते हैं कहाँ पर रुकते हैं, अगर खाना अगर भी खाना अपन लोग को भूख लग चुका है। फिलहाल चाय अगर पियेंगे और उधर से निकलते हैं आगे, आगे चल के फिर आप लोगों से बातें करते हैं। तो भाई खाना अगर खा चुके हैं, अब निकल रहे हैं बनारस के लिए, अभी बज गया भाई रात का 9:30, तो निकलना जरूरी है, अब थोड़ा सा तेजी में गाड़ी चला के जाना पड़ेगा क्योंकि भाई कितने बजे मंडी है, 3 बजे ना? 2 बजे। तो भाई हम लोग को 2 बजे से 3 बजे के बीच में पहुंचना है पहाड़िया मंडी, अभी कितना 200 किलोमीटर बचा होगा ना प्रदीप भाई, अभी 200 किलोमीटर समथिंग चलना है। तो चलिए पहले निकलते हैं इधर से और रास्ते में फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं। तो भाई पहुंच चुके हैं मोहनिया, और मोहनिया चेक पोस्ट अभी जस्ट क्रॉस किए हैं भाई। तो भाई कोई पुलिस वाले हैं, गाड़ी को चेक कर रहे हैं टोल प्लाजा के बीच में खड़ा होकर, बताइए ये कौन सा नाइंसाफी है यार, बताओ भाई साहब, साइड लगा के आप गाड़ी को चेक करो ना यार। ये गाड़ी बंदा यहाँ पर भी लगा के चेक कर सकता था ठीक है, और साहब भाई साहब बीच में रोक के चेक कर रहे हैं गाड़ी, गजब गजब के यार मोहनिया टोल प्लाजा वाले करते हैं भाई साहब। तो चलो भाई अभी आगे निकलते हैं और आगे चल के बातें करते हैं यार। तो गाइस बहुत कष्ट के बाद पहुंच चुके हैं अपने पहाड़िया मंडी, और एक भाई आ चुका है मिर्च लोडिंग करके, मतलब मधुपुर से जिसका मिर्च अगर बच जाता है, नहीं बिकता है, वो भाई बेच देता है पहाड़िया मंडी में। तो चलो गाड़ी को कांटा करवाते हैं, मतलब गाड़ी को वजन करवाते हैं, उसके बाद आगे चलते हैं। अपने प्रदीप भाई भी इधर आ चुके हैं। फोन करिए पार्टी को, देखिए क्या बोल रहे हैं।
तो चलो गाइस इधर से निकलते हैं, जहाँ पर गाड़ी को खाली करना है उधर चल के मुलाकात करते हैं। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा हम मंडी पहुंच गए हैं और मेरा गाड़ी अभी खाली होना चालू भी नहीं हुआ है। तो चलिए अभी हम जा रहे हैं सोने के लिए, जब मेरा गाड़ी खाली हो जाएगा सो के उठेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करते हैं यार। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा मेरा गाड़ी मंडी के अंदर पहुंच चुका था और आपको हम बताए भाई हम जा रहे हैं सोने के लिए, सो के उठते हैं उसके बाद गाड़ी अगर खाली हो ही जाना है। बता दें भाई हमारे पीछे का बहुत सारा गाड़ी वाले आए खाली करके चले गए और हमारा गाड़ी हो गया पंचर अचानक से। ठीक है, हम पार्टी को बहुत रिक्वेस्ट किए, पार्टी मेरा गाड़ी अभी खाली नहीं कर रहा, पार्टी बोल रहा है कि भाई मेरे दुकान के सामने आपको गाड़ी लगाना पड़ेगा। तो अभी वो स्टेपनी बदलने का तैयारी कर रहे हैं। एक भाई अपने साथ के बचे, मतलब चार गाड़ी हम लोग आए थे तो एक भाई है अपने साथ के जो प्रशांत वाली गाड़ी थी उनकी गाड़ी भी खाली नहीं और मेरा गाड़ी भी खाली नहीं हुआ है। तो ये देख लो भाई अचानक से भाई लोडिंग गाड़ी पंचर बैठ गई गाड़ी, पता नहीं चला कैसे यार। तो चलिए अभी स्टेपनी बदलने का कोशिश किया जा रहा है, स्टेपनी बदल लेते हैं उसके बाद फिर दुकान में गाड़ी लगाते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सबसे। तो भाई स्टेपनी फाइनली बदल लिए हैं, देख सकते हो पूरा हालत खराब हो गया भाई साहब। अब जग ऊपर रखेंगे उसके बाद फिर जाते हैं पार्टी से बात करते हैं, देखते हैं कब खाली करता है। हालत खराब है यार, पता है क्यों इतना हालत ज़्यादा खराब हो गया, दो दो बार ईंटा ही टूट गया, मेरे पास लकड़ी है नहीं, अब भाई लकड़ी रखना पड़ेगा। देख लो भाई दो दो बार ईंटा टूट चुका है, इसके वजह से दो तीन बार जग लगाना पड़ गया, पहले यहाँ पर लगा रहे थे गाड़ी उठाने फिर उसको अंदर लगाना पड़ा। तो यही सब चल रहा लाइफ में यार, और ये भाई साहब राजू भाई बहुत ज़्यादा हेल्प किए हैं। तो चलो अभी जाते हैं पार्टी से बात करते हैं, देखते हैं कितने बजे मेरा गाड़ी खाली करता है। अभी तो यार बहुत सारा काम बढ़ गया क्योंकि पंचर कर बनवाना है, फिर स्टेपनी चेंज करना है क्योंकि वो जो स्टेपनी अभी लगाए हैं वो चलने लायक स्टेपनी नहीं है, लोड गाड़ी में सिर्फ हम इमरजेंसी के रखे हुए हैं उसको। पैसा ऐसा आएगा तो नया टायर भी लेना है, अपने को दो टायर लेना है। तो चलो कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं। आप कौन गाड़ी लगाओगे? तो भाई शाम का 4 बज चुके हैं और अभी जस्ट मेरा गाड़ी खाली होना चालू हुआ है। पूरा दिन भाई बर्बाद हो गया बैठे बैठे ही, मतलब भोर में ही आए हुए हैं, पूरा दिन बर्बाद। तो देख लेते दिखा देते आप सबको। तो अभी भाई 3-4 बोरी बचा हुआ है, जैसे ही खाली हो जाएगा उसको खाली करके इधर से निकलते हैं, तो आप लोगों से बातें करते हैं। अभी पंचर भी अपने को बनवाना है, सोच सकते हो। तो चलो कुछ देर बाद मुलाकात करते हैं। तो भाई आप लोगों ने देखा मेरा गाड़ी हो रहा था खाली, तो फाइनली गाड़ी हो चुका है खाली, खाली करवा के लेके आ चुके हैं जहाँ पर गाड़ी का पंचर बनवाना था। तो भाई देख सकते हो पूरा मैंने इसको खोल दिया है, उसके बाद अभी अंदर पक्का पंचर बनवा रहे हैं। पक्का पंचर क्या होता है आप सबको बता दे भाई, पक्का पंचर मतलब उसको गर्म करके अच्छे से बनाया जाता है ताकि वहाँ से जल्दी ख़राब ना हो, मतलब जहाँ से पंचर बना है पक्का पंचर वहाँ से जल्दी ख़राब ना हो, मतलब उखड़ेगा नहीं आपका जल्दी। ठीक है, तो देख लो भाई पक्का पंचर बना रहे हैं भाई साहब, पूरा गर्म करके स्टोव से गर्म करके पक्का पंचर बन रहा है। तो चलो अभी पंचर अगर बनवा के निकलते हैं भाई, पूरा दिन तो नुकसान हो ही गया है, अभी सीधा घर निकल रहा है। आज सोचते गाड़ी अगर भी धुलवा देते कुछ हो नहीं पाया काम, फिलहाल ये काम करवा के घर निकलते हैं डायरेक्ट और इधर से निकलते तो बातें करते हैं आप सबसे। तो गाइस फाइनली पंचर बन चुका, मतलब जो मेरा टायर पंचर हो गया था उसको मैंने लगा लिया पंचर बनवाने के बाद, और जो खराब वाला टायर था जो पहले स्टेपनी के रखा था उसको निकाल के रख दिया ऊपर। तो भाई देख सकते हो इधर ये भाई सही वाला टायर है, पंचर हो गया था। और बता दे भाई बहुत लेट में मेरा गाड़ी खाली हुआ है, आए हुए हैं और अभी शाम का 5:30 बज चुका है, देख सकते हो यार हालत खराब है भाई। परसों का ही घर से निकले जानते हो आप सब, और डबल मेहनत हो गया यार आज, पता है पंचर होने के बाद खोलो लगाओ, एक तो लोडिंग गाड़ी बहुत ज़्यादा पंचायत हो गया सुबह से। फिलहाल अभी सब कुछ ओके हो चुका है, गाड़ी मैंने ग्रीसिंग भी कर लिया, अब डायरेक्ट घर निकलते हैं और घर पहुंच के आप लोगों से बातें करते हैं यार, अब कहीं रास्ते मुलाकात नहीं करने वाले आप सबसे। तो चलो निकलते हैं घर। तो भाई गुड मॉर्निंग आप सबको, जैसा कि आप लोगों ने देखा रात को हम बहुत मुश्किल से घर आए, मतलब गाड़ी वगैरह खाली के घर आ चुके थे और अभी हो चुका सुबह, दिन का बज रहे हैं 8। तो अभी जस्ट उठे चाय गर्म पी लिया, अभी नहाया नहीं मैंने क्योंकि मैं रात को ही नहा लिया था, अभी थोड़ा ठंड पड़ रहा है इसलिए नहाया नहीं, जस्ट अभी उठा हूँ, बहुत सारी थका हुआ लग रहा है यार। तो चलो इस वीडियो को एंड करते हैं, आई होप कि आप सबको मिलके इस वीडियो को एंजॉय किए, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटा प्रेस कर लीजिए क्योंकि आपका छोटा भाई आप लोगों के लिए ऐसे इंटरेस्टिंग
वीडियोस लेके आते रहता है। एक प्यारा सा कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा, ताकि आपके कमेंट को पिन कर सके, ठीक है? प्यारा सा कमेंट होगा तभी पिन करेंगे, मतलब सबसे अलग हटके कमेंट होना चाहिए। तो चलो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, लव यू गाइस। ऐसे ही छोटे भाई प्यार मोहब्बत बनाए रखिएगा, क्योंकि आपका छोटा भाई आप ही लोग से मोटिवेट होता है कि आपके छोटे भाई के वीडियोस को आप लोग लाइक और सपोर्ट करते हो। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस, सपोर्ट यू भाई लोग।